नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार वोट बैंक के लिए पहले जनता से झूठे वादे करती है और उसके बाद जब सत्ता पर काबिज हो जाती है तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक कहीं ना कहीं अपने वादों से मुकर जाती है। और आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। यानी ये अब ऑप्शन एक तरीके से दिल्ली वासियों के लिए रखा है कि जो सब्सिडी लेना चाहेगा उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी अंजलि है, और अंजलि से हम बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पर जो अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उन्होंने अंजलि एक ऑप्शन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के सामने रख दिया है कि जो अब सब्सिडी लेना चाहेगा सिर्फ उसे ही मिलेगी और जो नहीं लेना चाहेगा उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इस पर आप क्या कहेंगी? तो देखिए शिप्रा, यहाँ पर आप अरविंद केजरीवाल की सरकार का एक पैटर्न होता है, आप देखिएगा। शुरुआत में वो कहते हैं कि जो है दिल्ली की जितनी जनता है वो सब फ्री बिजली चाहती है, सबकी रिक्वायरमेंट है, हम दिल्ली में फ्री बिजली दे रहे हैं, सारी जनता का हम ध्यान रख रहे हैं। और अचानक से जब पंजाब में भी उनकी सत्ता बन गई, पंजाब में जब आज के वक्त में वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो अब उसका क्या कर रहे हैं, वो दिल्ली में अभी से लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अब उनके पास पैसे नहीं बच रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये लोगों का ये भी कहना है कि भले जो अरविंद केजरीवाल है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लेकिन वो पंजाब के भी मुख्यमंत्री है। तो अब ऐसे में उन्हें ये हो रहा है कि पंजाब में मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो है अपने नेताओं को जो है केंद्र सरकार के पास भेज रहा हूँ कि आप मांग के कुछ पैसे ले आओ, वहां पर भी कुछ नहीं चल रहा है, तो अब मैं क्या करूँ, अपने सत्ता का इस्तेमाल करके अब मैं ये दिखाऊँ कि दिल्ली की जनता के लिए मैं ऑप्शन डाल रहा हूँ। आपने देखा होगा उन्होंने प्रेस वार्ता जब आज की तो उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत से ऐसे लोगों ने कहा कि हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। अब ये देखने वाली बात ये है कि आज दिल्ली में इनकी सत्ता इतने सालों से फ्री बिजली ये दे रहे थे, तब सबको ज़रूरत थी, ये कह रहे थे हमने सबको दिया, अब अचानक से इतनी भीषण गर्मी है, दिल्ली के लोग परेशान हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पानी का भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है वहाँ पर। तो ऐसे में अचानक से दिल्ली की जनता को ऐसा लग रहा है कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, और वो भी तब जब पंजाब में बिजली नहीं मिलने की वजह से प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है एक नंबर की झूठी मक्कार सरकार है, जो कि अपने फायदे के लिए अपने राजनीति के पैटर्न का इस्तेमाल करती है, पावर का इस्तेमाल करती है, और उसके बाद उस पर नाम जो है वो दिल्ली की जनता का लगा देती है। तो आपने जिक्र किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने ये कहा है कि कुछ लोगों ने उनसे कहा है, तो लाखों करोड़ों की जनता दिल्ली में रह रही है, और उसमें से कितने लोगों ने उन्हें ये सजेशन दिया है जिसके बिहाफ पे वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से मैंने ये फैसला ले लिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार को एक लेटर भी लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि कोयले का संकट आ गया है और बिजली संकट दिल्ली में छा सकता है, मेट्रो सेवा से लेकर तमाम सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन वही केंद्र ने यह भी कहा है कि ऐसी कुछ समस्या जो है वो दिल्ली के सामने नहीं है। तो इस तरीके से झूठ बोलने की जो कहीं ना राजनीति है वो करते आए हैं, और अपनी नाकामियों का ठीकरा वो केंद्र पर भी फोड़ रहे हैं। देखिए शिप्रा, हम पहले बात करेंगे कि जो लेटर की बात हो रही है हम उसकी बात करते हैं। पहले सत्येंद्र जैन ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, उन्होंने कहा कि कोयले की कमी हो रही है, केंद्र सरकार और जितने उच्च अधिकारी हैं उनके तरफ से साफ ये कहा गया कोयले की कमी नहीं है बल्कि कोयले का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो इस दोनों में काफी डिफरेंस है। ये बात सभी को पता है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं आती है। आप लोक लुभावन चीजें, आप लोक लुभावन आइडिया दे रहे हैं जनता को ताकि जनता आपको वोट दे, आपको सत्ता में काबिज होना है। जब आप वादे करते हैं आप केंद्र सरकार से नहीं पूछते हैं कि मैं इतने बड़े वादे करने वाला हूँ, मैं फ्री की बिजली देने वाला हूँ, ये जानते हुए कई करोड़ों का जो आज के वक्त में लोन कहिए पंजाब की सरकार पर है, पंजाब जो है एक तरह से खर्च में डूबा हुआ है, ये जानते हुए भी आप बड़े बड़े वादे कर देते हैं, आपका काम उसे कर्ज से निकाला लेकिन आप उसे और कर्ज में डुबो रहे हैं। तो यहाँ पर सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर कई बार जो है आरोप लगते रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, उन्हें क्लीन चिट आम आदमी पार्टी की सरकार खुद से देती रही है, तो वो कहते हैं कि कोयला का संकट है। अरविंद केजरीवाल उसी वक्त थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहते हैं हम दिल्ली में मैनेज कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन कहते हैं कि दिल्ली कोयला नहीं है। तो इनके जो है आपस में ही जो है इनके कोऑर्डिनेशन नहीं है, मुख्यमंत्री कुछ और कहता है, दूसरा मंत्री जो है वो कोयले की मांग को लेकर कुछ और कहता है, जो साफ तौर पर इनकी राजनीति दिखती है। और जो दूसरी बात, जो रिकॉर्ड की बात आपने कही कि ये जो है बता रहे थे कि कितने इतनी करोड़ जनता है और कितने,
तो रिकॉर्ड की जब बात होती है तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है भगवत मान के वक्त कॉल का स्कैम। उस वक्त आपने देखा होगा कि उनका रिकॉर्ड कितना मजबूत है। उन्होंने कहा हमें इतने लाख लोगों ने इतनी बार कॉल करके बताया कि भगवत मान को चाहते हैं। उसका भी देखिए आपने किस तरीके से एक्सपोज किया गया, बताया गया कि टेक्निकल तौर पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल का जो रिकॉर्ड रहता है वो इसी तरीके के रिकॉर्ड और डाटा देते हैं जिनका जो है रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। तो वही पंजाब का जिक्र आपने किया और पंजाब में भी जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो उस वक्त उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया और जैसे ही सत्ता में आई वैसे ही सबसे पहले जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई भगवंत मान की तो बताया ये जा रहा है कि यही मुद्दा गहरा है कि कोयले का संकट है पंजाब में और वो इस तरीके से बिजली प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। हरभजन सिंह जो कि बिजली मंत्री हैं उन्होंने भी जब कोयला मंत्री से मुलाकात की तो यही संकट उन्होंने भी कहा कि कोयले का संकट है और पंजाब में बिजली की समस्या। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितनी खोखली राजनीति जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है और जनता को कहीं ना कहीं ये चुनावी लालच देखकर वो वोट बैंक ले रही है और सत्ता में आ रही है और उसके बाद इस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जवाब देने का भी वक्त है। देखिए पंजाब में मैंने आपको कहा कि जो आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल वो पैटर्न के तहत चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली में देखा इन्होंने फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन की सिस्टम, उन्होंने सबको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया। आज के वक्त में उसकी रियलिटी एक एक करके एक्सपोज हो रही है। वहाँ पर जो है पंजाब में उन्होंने कहा था कि चुनाव के रिजल्ट आएंगे पहली कलम से मैं आपको 300 यूनिट फ्री बिजली दे दूंगा। गर्मी का वक्त है, सबसे ज़्यादा बिजली की खपत अभी होती है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट अभी है। वो बिजली कब से देंगे? 1 जुलाई से दे रहे हैं जबकि बारिश का मौसम होता है, ज्यादा बिजली की खपत नहीं होती है, लोग अगर पंखा नहीं भी चलाएंगे तो उनका काम निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अब उन्हें यह है कि हमने वादा तो पूरा कर दिया और बात रहा केंद्र सरकार से, तो अरविंद केजरीवाल का एक और पैटर्न है जब उनके पास कुछ नहीं रहता है कहने के लिए वो केंद्र सरकार के पास भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। वादे करने से पहले नहीं पूछेंगे लेकिन मांगने के वक्त में भीख मांगने के लिए झोली फैलाते हैं। और एक बात और है, उन्होंने ये कहा था अपने इंटरव्यू में कि ये केंद्र सरकार या किसी के बाप का पैसा नहीं है, ठीक है, उन्होंने कहा था किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये पंजाब की जनता का पैसा है पंजाब में। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो उन्होंने भगवत मान के शपथ ग्रहण समारोह में इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए वो किसके बाप का पैसा था? वो भी पंजाब की जनता का पैसा था, वो भी आम जनता का पैसा था। तो उस वक्त आप करोड़ों रुपए, कितनी कितनी फसलें आपने बर्बाद कर दी ये जानते हुए कि पंजाब की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर जीती है, आपने फसलें बर्बाद कर दी कि आपने पार्किंग बनाएंगे, आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में। तो उस वक्त वो पैसा किसके बाप का था? ये भी अरविंद केजरीवाल को आज के वक्त में जवाब देना चाहिए। और भगवत मान जब पंजाब में सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है, पंजाब में हालात बदतर होते हैं, तो वो दिल्ली का मॉडल समझने जाते हैं, वो मॉडल जो आज के वक्त में पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए नजर आ रहा है। तो ये हालात है दिल्ली और पंजाब जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त है। तो पहली बात तो यही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता में आ गई है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान है या फिर अरविंद केजरीवाल है। जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं पंजाब में इस तरीके से भगवंत मान के सारे फैसले अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, यहाँ तक कि एक नॉलेज शेयरिंग समझौता भी राजधानी दिल्ली और साथ ही पंजाब के बीच हुआ है, उस पर भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़ा किया है। और जहाँ तक बात अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के दावे और वादों की है तो हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में पानी से लेकर फ्री बिजली और साथ ही डीटीसी बसों का क्या हाल है, किस तरीके से डीटीसी की जो बसें हैं वो आग के गोलों में तब्दील हो रही है राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हम रोज देख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी कितनी खोखली राजनीति कर रही है ये लगातार हमें देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो MCD के चुनाव आने वाले वक्त में होंगे और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे तो उससे पहले भी कहीं ना कहीं लोगों को एक बूस्टर डोज देने की कोशिश भी की गई, कहा हम दिल्ली को स्टार्टर की शुरुआत करेंगे। आज ये भी केजरीवाल की ओर से कहा गया है हम युवाओं के लिए तमाम स्कीम लेके आए हैं, वित्तीय सहायता उन्हें दी जाएगी। तो लगातार आम आदमी पार्टी की झूठ की राजनीति हम देख रहे हैं। वहीं जो सर्वे जो लोगों की राय की वो बात करते हैं, किस तरीके से वो सर्वे जारी करते हैं, हाल ही में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे जारी किया और उसमें ये कहा कि दंगइयों और लफंगों की पार्टी कौन है और कितना प्रतिशत किस पार्टी को मिल रहा है उसको लेकर उन्होंने एक सर्वे जारी किया। इस पर भी अंजलि से राय लेंगे।
तो अंजलि उस पर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं से ये आम आदमी पार्टी राय लेती है और इस तरीके से जनता के सामने पेश कर देती है? देखिए, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको दूं, दिल्ली और नोएडा, ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और दिल्ली, दोनों काफी ज्यादा मतलब अटैच है, ठीक है। और ऐसे में आप ये देखिए कि दिल्ली और नोएडा की अगर आप करें, उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है जहां पर ये बीजेपी के कहते हैं कि लफंगे ज्यादा है, दंगाई ज्यादा है, तो जहांगीरपुरी का हिंसा जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में हुआ। जो बुलडोजर द्वारा कार्रवाई के बाद जो बौखलाहट देखने के लिए मिली वो उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में देखने के लिए मिला। और इसमें ये भी गौर करने वाली बात है कि जो उस हिंसा का मास्टरमाइंड था वो भी आम आदमी पार्टी का। तो यहाँ पर जो ये अपने आप को क्लीन चिट देते हैं, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी को अगर आप देखेंगे तो बहुत सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक पार्टी है जो अपने आप को सारी पार्टियों से खुद ही बेहतरीन बताती है, खुद ही सर्वे जारी करती है, खुद ही बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक, खुद ही बेस्ट एजुकेशन। अभी तो उनके एजुकेशन वाले सिस्टम पे भी आपने देखा किस तरीके से सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि केरला वाले हमारे पास आए थे हमारा मॉडल सीखने के लिए, वहाँ पर भी उन्हें एक्सपोज कर दिया गया। तो ये आए दिन एक्सपोज होते रहते हैं, और जहाँ पर ये कहते हैं कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी, एक साफ सुथरा एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बीजेपी का शासन है और देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन है, लेकिन किसी भी त्यौहार पर किसी भी पर्व पर जब से जो है बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, एक भी दंगा देखने के लिए नहीं मिला। और अपराधियों की लिस्ट भी जो है धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि लोग अपराध की जो है डोर छोड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का हाल देखिए, दंगाइयों का हाल देखिए, सबसे ज्यादा रोहिंग्यास देखिए, सपोर्ट करने वाली बात देखिए, खुद आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं हमने रोहिंग्यास को बसाया है, हम फ्री बिजली दे रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, बांग्लादेशियों का संरक्षण देते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी और ये जो है भाजपा, तो जनता बहुत बढ़िया तरीके से जानती है शिप्रा कि आज के वक्त में आम आदमी पार्टी क्या है और भाजपा क्या है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जाहिर तौर पर जैसे सर्वे आम आदमी पार्टी की ओर से पेश किए गए हैं, और हम देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे आम आदमी पार्टी अपनी ही तरफ से अपने ही कार्यकर्ताओं के सर्वे जारी करेगी और कहीं ना कहीं इस तरीके से जनता के सामने झूठ परोसेगी।